Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about another question of DHA sheet and the question is count pair with given sum. ठीक है, तो ये question का हम लोग discuss करने वाले हैं. तो basically यहाँ क्या बोला जा रहा है, हमारे पास एक array दिया हुआ रहेगा. तो let's read the question only. हम लोग question read करते हैं. So given an array of n integers and an integer k, find the number of pairs of elements in an array whose sum is equal to k. तो तुम्हें यार एक array दिया हुआ रहेगा. You can see an example here. एक array दिया हुआ है जो n का वैल्यू दैट इज द साइज ऑफ द एरे, और जो हमें k दिया हुआ रहेगा, तो तुम्हें यार k हमारा बनाना है, दैट इज द पेयर हमें ढूंढना है. इस एरे में से हम एक पेयर निकालना है जिसका सम हमारा k के बराबर होना चाहिए. दैट इज वी हैव टू फाइंड अ पेयर फ्रॉम दिस एरे हुज सम विल बी इक्वल्स टू k एंड यू हैव टू काउंट दिस पेयर्स. तुम्हें ये सारे पेयर्स को काउंट करना और उसे रिटर्न करना है. तो लेट्स सी दिस एग्जांपल 1571. मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1571 जिसमें हमें जो सम बनाना है, दैट इज वी हैव टू मेक 6. k का वैल्यू 6 है ना, तो k या सम कुछ भी लिखो, मैं अभी सम यहां लिख रहा हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो सम हमें 6 बनाना है और ये हमारा एक एरे दिया हुआ है, राइट. सो यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, पहला हमारा 1 और ये 5, ये दोनों मिलके हमारा 6 बना रहा है, एंड दिस 5 एंड दिस 1, ये 5 और ये 1 मिलके हमारा एक 6 बना रहा है. सो वी कैन सी दैट In this example, there are two number of pairs whose sum is equal to 6. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, because we can see there are two pairs. एक 1 5 हो गया, मतलब ये दोनों बंदे हो गए, और दूसरा एक ये दोनों बंदा हो गया 5 1. तो इस तरह दो पेयर्स आ रहे हैं. सो हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस, आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया. क्वेश्चन में करना क्या है, यू हैव टू फाइंड ऑल द काउंटर ऑफ द पेयर्स व्हिच सम विल बी इक्वल टू दिस, ये जो हमारा वेरिएबल है. ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है क्वेश्चन में. सो द ब्रूट फोर्स विच यू कैन डू इज दैट डायरेक्टली तुम्हें दो लूप चला दो, दैट इज द फर्स्ट लूप फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, दैट इज आई हमारा जो स्टार्टिंग से लेकर एन तक चल रहा होगा, और इनर लूप हमारा आई प्लस 1 से लेकर एन तक चल रहा होगा. बस चेक कर लो हमारा आईथ वैल्यू और jth वैल्यू, हमारा दुंगा समेशन जो है वो हमारा सम के बराबर है, तो मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा. ठीक है, तो यार ये तो ब्रूट फोर्स हो गया. दैट इज वी आर गोइंग टू चेक ऑल द पेयर्स, मैं सारे पेयर्स को चेक करूंगा. ठीक है, सारे पेयर्स चेक किया, आईथ एंड jth, तुम्हें आई थिंक ये ब्रूट फोर्स तुम्हें आता होगा, वरना या तुम 0 से n लूप चलाओ, दूसरा i + 1 से n तक लूप चलाओ, और सारे दैट इज एरे ऑफ i + एरे ऑफ j, चेक करो डबल इक्वल्स मेरा सम हो रहा है कि नहीं. इफ इट इज तब काउंटर प्लस प्लस कर दो. ये तुम्हें एल्गोरिथम यूज करना है फॉर द ब्रूट फोर्स, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन स्क्वायर. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. सो कैन वी ऑप्टिमाइज दिस? सो या वी कैन ऑप्टिमाइज. तो लेट्स सी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. 1571 है ना, तो चलो फिर से लिखते हैं यहां पर 1571, और सम हमारा जो बनाना है दैट इज 6 बनाना है हमें, राइट. तो अब यहां पर देखो, तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं मैप का, मतलब मैप यूज करने वाला हूं, दैट इज अनऑर्डर्ड मैप. अब बताता हूं अनऑर्डर्ड मैप क्यों ले रहे हैं. इफ वी आर गोइंग टू यूज मैप, तो मैप का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो लॉग एन में होता है, इंसर्शन डिलीशन, और जो लुकअप होता है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में होता है, बट अनऑर्डर्ड मैप है वो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में होता है. ठीक है, If we talk about average case, ठीक है, average case की बात करो तो order of 1 में होता है in unordered map, okay? So what I will be doing is that मैं पहला 1 में आया, I will be checking this 1, if it is basically not checking, मेरा sum 6 है ना, तो मैं क्या करूँगा, 6 से इस 1 को minus करूँगा, तो मेरा कितना आया 5, मतलब basically मैं try क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं ith element में हूँ, मुझे पेयर बनाना ना, दैट इज ए कॉमा बी, आई वॉन्ट टू फाइंड द पेयर ए कॉमा बी, राइट. तो मैं जो 1 है उसे मैं a पकड़ लूंगा, दैट इज a इक्वल्स टू 1, और तो बी मेरा क्या होगा, दैट इज दिस सम 6 माइनस दिस वेरिएबल दिस वैल्यू दैट इज 1, और ये मेरा बार है 5, तो मैं मान लूंगा बी मेरा 5 है, इस तरह कुछ है. ठीक है, अब मैं बस चेक करूंगा क्या ये मेरा 5 मेरे मैप, इफ आई कंसीडर दिस पार्ट एज अ मैप, ये मेरा अगर मैप है, मैं चेक करूंगा ये 5 मेरे मैप में अवेलेबल है कि नहीं. तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट मी टॉक अबाउट इन अ जनरल वे. मैं क्या कर रहा हूं, इफ आई एम इन दिस लोकेशन, दैट इज आईथ लोकेशन, ठीक है, If I'm in an ith location, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 7th वाले पार्ट में हूँ, 7th में यहाँ पर कहीं पर भी हूँ, इसको मान लेते हैं A, ठीक है, और ठीक है इसको ये पकड़ लिया हम लोग, मैं ith लोकेशन में हूँ, मैं क्या करूंगा, ये जो A है जो हमारा सम था, मैं सम में से A को माइनस किया, तो ये मुझे B मिल जाएगा. मुझे A और B को ना फाइंड करना है, मतलब काउंटर निकालना, तो मैं A B तो ढूंढूंगा जिसका समेशन सम के बराबर है, तो मैं अगर मैं ith एलिमेंट को a पकड़ूं तो सम माइनस a किया तो मुझे b मिल गया, राइट. अब मैं क्या करूंगा, जो ये जो इसके पीछे जितने ही बंदे हैं यहां मैं चेक करूंगा क्या ये b अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए मैं मैप ले रहा हूं. ठीक है, बिकॉज मैं मैप में सारे बंदे को स्टोर कर दे जाऊंगा एक एक करके, जैसे मैं उससे पार करते गया सारे बंदे को, उसे मैं क्या करूंगा एक एक करके मैप में डाल दे जाऊंगा. तो बस ये जो मेरा जो यहाँ बी आ रहा है, B बेसिकली क्या हो सकता है, ये जो हमारा 7 के जो पहले जितना बंदा है इसमें से कोई ना कोई तो हो ही सकता है B. अगर हमारा B इस वाले एरिया में लाई करता है तो मेरा काम हो गया, तो मुझे
पेयर मिल जाएगा. सो फॉर दैट पार्ट वी आर यूजिंग मैप, मैप में मैं स्टोर कर लूंगा. ठीक है, तो चलो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया. तो हम मैं भाई स्वाइट रेडी कर देता हूँ. तो मैं जो इस वन में आया था तो 6-1 क्या, ये 5 निकला. मैं 5 का मैप में है नहीं है तो मैं काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा. तो ये मेरा आंसर है. ठीक है, तो बेसिकली अब ये 1 को मैं क्या किया, मैप में डाल दिया. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 1. नाउ वी केम टू 5. अब क्या करो, 6 में से 5 माइनस करो, इसका आया क्या 1. दैट इज दिस 1 इज बी. अब चेक करो क्या ये 1 हमारे मैप में है. तो या इट्स देयर. अब देख सकते हो उसका फ्रीक्वेंसी 1 है. तो मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा. अब मैं ये नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी को क्यों ऐड कर रहा हूं. बिकॉज वी हैव टू फाइंड ऑल द पेयर्स. ठीक है, तो अब मैं वो नेक्स्ट वाला एग्जांपल बताऊंगा, मजा आया समझने में. ठीक है, सो यहां पर मुझे दिखा फ्रीक्वेंसी इसका 1 था, मैं आंसर में 1 ऐड कर दिया. अब क्या करो, 5 को भी इंसर्ट कर दो मैप में जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है. ठीक है, नाउ वी केम टू 7. तो हमारा क्या हो रहा है, 6-7 दैट इज -1. ओके, तो -1 क्या हमारे मैप में है, नहीं नहीं है, तो इससे आंसर नहीं बनेगा. नाउ अगेन वी रीच टू दिस 1, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 6-1 दैट इज 5. चेक करो 5 के हमारे मैप में है. सो या इट्स अवेलेबल इन द मैप, मैप में है. तो मैं क्या करूंगा, ये 5 का जो काउंटर है दैट इज 1, उसे मैं आंसर में ऐड कर दिया. तो फाइनली इसका आंसर 2 हो गया. अब तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी को क्यों ऐड कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल में. आई थिंक तुम्हें अभी यहां क्लियर हो गया कि हम लोग यहां पर मैप यूज करके कैसे आंसर निकाल रहे हैं. दैट इज फॉर आईथ एलिमेंट, मैं आईथ एलिमेंट में हूं, उसे मैं ले रहा हूं ए, आई एम कंसिडरिंग दैट एज ए. और बी कैसे कंसिडर कर रहा हूं, वो सम को मैं, सम को मैं ए से माइनस करो, मुझे बी मिल जा रहा है. अब बी क्या होगा, मैप में मैं सर्च करूंगा, मैप में क्या रहेगा, ए के पहले जितने बंदे हैं वो सारे बंदे मैप में होंगे. चेक कर लो मैप में है कि नहीं, अगर होगा तो हमारा मतलब बी अवेलेबल है, मैं मेरा सम मतलब हो जा रहा है उस पेयर को यूज करके. राइट, अब मैं फ्रीक्वेंसी को क्यों ले रहा हूं, चलो वो डिस्कस करते हैं. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जो हमारा यहां पर भी है. वी कैन सी दैट एग्जांपल यहां दिया 1-1-1-1, सम बनाना है मुझे 2, और आउटपुट आ रहा है क्या हमारा 6, ऐसा कुछ हमारा यहां पर आ रहा है 6. इसका 6 नंबर ऑफ पेयर्स हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, लेट्स सी दैट. तो हम लोग का यहां पर क्या सीन हो रहा है, ओके, सो लेट्स टेक एन एरे, जो हमारा एरे क्या 1-1-1-1 4 है, और हमें जो सम बनाना है वो हमें 2 बनाना है. ठीक है, तो 2 कैसे बनेगा, यहां तुम लोग देख सकते हो यहां पर सारे बंदे 1 है, तो तुम यार सिर्फ 1-1 ले लो, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर हो गया. मैं एक बार इंडेक्स लिख देता हूं यहां पर, लेट्स राइट द इंडेक्स 0-1-2-3, आई हैव रिटन द इंडेक्स. तो बस यहां मैं क्या किया, सिर्फ 1-1 को लिया, इसका समेशन 2 हो रहा था, मेरा काम खत्म. तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसका काउंटर क्या 1 है, मतलब सिर्फ एक ही पेयर होगा, नहीं यार एक पेयर नहीं होगा, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ पेयर. मतलब ये सारे जो 1 है वो तो अलग अलग लोकेशन के है ना, एक ये जो 1 है ये 0th लोकेशन का, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड, ये थर्ड लोकेशन, तो सिर्फ एक ही पेयर नहीं होगा विद सम 2, इट्स नॉट ओनली 1 पेयर, एक पेयर आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर 6 पेयर्स आ रहे हैं. वो कैसे आ रहे हैं, लेट्स सी दैट. हमारे सारे 1 तो अलग अलग लोकेशंस में है ना, एक ही लोकेशन में तो नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड ऑल द पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स. ठीक है, सो अब यहां देखो कैसे सीन हो रहा है. मैं यहां पर मैप लगी मैप मेंटेन करता हूं. ठीक है, मैं पहला 1 में आया, तो मैं सम जो था 2, उसमें से 1 को माइनस किया, कितना आया 1, मैप में है नहीं है, तो मैं क्या किया, ये मैप को इंसर्ट किया, उसका काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया. ठीक है, यहां मेरा आंसर है, ओके, कुछ नहीं करूंगा. अब मैं इस लोकेशन में आया 1, फिर से 2-1 करो, मेरा क्या आया 1, मैप में चेक करो क्या 1 है या है, तो उसका काउंटर क्या 1, मैं आंसर में 1 ले लिया. तो बेसिकली ये जो 1 है वो क्या किया, ये वाला पेयर बना रहा है, ये पेयर बना, ओके, ये पेयर हमारा बन गया. ओके, ये लगा काम खत्म. नाउ अब हम लोग आते हैं तीसरे बंदे में, तो इसको माइनस करो, 1 आया. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल इससे आने से पहले जैसे मैं इस सेकंड वाले बंदे को लेफ्ट किया, दैट इज ये 1th एलिमेंट को लेफ्ट किया, इसको मैं मैप में डालने वाला था, राइट, बट मैप में 1 तो पहले से है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 का काउंटर बढ़ा दूंगा, बिकॉज 1 तो पहले से है ना, तो मैं क्या किया 1 का काउंटर बढ़ा के 2 कर दिया. नाउ आई केम टू थर्ड पैरामीटर, दैट इज सेकंड एलिमेंट, तो वो 1 है मेरा, तो 2-1 किए तो 1 मिला. नाउ चेक 1, It is there in a map or not? Yeah, it's there. अब इसका frequency क्या है? 2. मतलब ये जो 1 है, ये जो हमारा 1 है, ये हमारा 2 pair बना रहा होगा. कैसे? एक हमारा इस बंदे के संग और दूसरा हमारा इस बंदे के संग बना रहा होगा. मतलब ये जो सेकंड पैरामीटर है, ये एक बार 0th बंदे के संग बना रहा है पेयर, एक बार फर्स्ट बंदे के संग बना रहा है पेयर, बिकॉज काउंटर ऑफ 1:2, काउंटर 1:2, इसका मतलब 2 बार हमारा 1 पहले एग्जिस्ट किया हुआ था. ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2, तो मैं प्लस क्या गया 2 कर दिया. ओके, नाउ अभी इसको मैं जैसे नेक्स्ट लोकेशन में गया, इसे भी हमें मैप में डालना होगा, तो मैं मैप में डालूंगा, तो 1 का काउंटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सही है ना, 1 का काउंटर 3 हो जाएगा, बिकॉज अब 3 बंदे हो चुके हैं. राइट, अब मैं आ गया लास्ट में, थर्ड लोकेशन में, यहां भी 1 है, तो 2-1 क्या 1. अब 1 को मैप में सर्च करो क्या मैप में है, मैप में काउंटर 3 है, तो मैं क्या करूंगा 3 ऐड करूंगा. अब बोलोगे तो यार 3 कैसे हो गया, ये वाला जो 1 है ये 3 पेयर बनाएगा, कैसे, लेट्स सी दैट. ये 1 है, ये पहले इस बंदे के संग पेयर किया, सेकंड इस बंदे के संग पेयर किया, थर्ड इस बंदे के संग पेयर किया,
तो वी कैन सी दैट ये जो लास्ट वाला बंदा है ये तीन पेयर बना रहा है तीन बंदों के साथ, तो इसलिए यहाँ थ्री आंसर ऐड किया, तो फाइनली हमारा आंसर सिक्स हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री। तो तुम्हें समझ आया यार कि मैप में हमने फ्रीक्वेंसी को क्यों स्टोर किया, अनऑर्डर्ड मैप क्यों लिया, ये भी तुम्हें समझ आया, आई थिंक तुम्हें पूरा सोल्यूशन ही समझ आ गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज मैं सिर्फ एक लीनियर लूप चलाऊंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पेस भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन होगा बिकॉज मैं एक मैप यूज कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो लेट्स सी द कोडिंग पार्ट, ओके। सो कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप मेंटेन कर लिया, एक आंसर ले लिया हमारा, फिर मैं लूप चला दिया, ठीक है। मैं यहाँ वेरिएबल में क्या निकाल रहा हूँ, दैट इज दिस इज माई बी पार्ट, ठीक है, ये मेरा बी है। तो मैं अगर इसे बी ही लिख दूं तो मुझे अच्छे से समझ आएगा, इसे मैं बी लिख देता हूं, ओके। तो मेरा जो के है दैट इज ए सम था, वो बाय डिफॉल्ट यहां के दिया तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ये हमारा बेसिक तुम लोग मान के चलो सम है, तो मैं सम माइनस एरे ऑफ आई कर रहा हूं, ये हमारा बी में आ गया। बस चेक करो कि हमारा ये जो एरे ऑफ मैप है, मैप में वो बी अवेलेबल है कि नहीं। अगर हमारा मैप में बी अवेलेबल है तो मैं आंसर में क्या करूंगा, उसका फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा। ये जो एम ऑफ बी कर रहा हूँ यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड हो रहा है, वरना मतलब ये अगर हुआ तो सही है, वरना तो यार सारे बंदे को तो हमें मैप में फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करना ही है। मतलब मैं जब भी जो बंदे को मैं लेफ्ट करके नेक्स्ट में जा रहा था उसे मैं मैप में इंक्रीमेंट कर देता था, राइट। तो बस वही मैप ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस, मैं सबको मैप में डाल दे गया, वरना अगर हमारा बीच में मतलब ये काम तो करना ही था हमें, और हमें अगर मैप में अगर वो बंदा मिल जा रहा है बी, हमारा सम माइनस ए दैट इज एरे ऑफ आई, अगर हमारे हमें बी दे रहा है, अगर बी हमारा मैप में मिल रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, वरना बस इंक्रीमेंट करते जाओ। और फिर मैं आंसर को डन कर दिया, ठीक है। तो ये सीन हमारा हो रहा है, लेट्स सबमिट दिस सोल्यूशन, और हमारा आंसर सही आ रहा होगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन, लेट्स सी द आउटपुट, ओके। सो या आवर आउटपुट इज करेक्ट, हमारा आंसर सही हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा, वीडियो मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करके बताओ कि सोल्यूशन मजा आया कि नहीं समझ के, और चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।